मम्मा के इतना ठुल लगे अलग की होला As long as it's with वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और व्लॉग शुरू हो रहा है, दिवाली व्लॉग शुरू हो रहा है 10 बजे। आज मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि लाइट नहीं थी और फिर सब काम में बिजी हो पड़े थे और ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। और अभी मैं जाने वाली हूँ पांडेकोला साइड। फूल और गन्ने मैंने ललित से मंगाए थे तो ललित कह रहा था मैं वहां तक आ जाऊंगा, उसके बाद मतलब वहां से तू ले जा लेना। तो पापा और मैं वो लेकर आते हैं फिर बाकी सारे काम करेंगे। हम लोग घर से आ गए हैं, स्कूटी ऊपर रखी है क्योंकि गेट बंद हो जा रहा है आजकल, तो पापा मॉर्निंग में ही स्कूटी को ऊपर रखाए थे। फटाफट चलते हैं, ललित से वो लेकर आते हैं। देखो हमारे बाजू हमारे सब्जी वाली भैया के वहाँ गन्ने। ओहो भैया हैप्पी दिवाली। हमारी माई सुबह सुबह लग गए काम पे। करो करो ये ललित इतना नीचे रहता है भाई साहब, ये नीचे से ऊपर को आ रहा है तो मैं यहाँ से नीचे को जा रही हूँ, इसे लेकर आते हैं। इसको गाय दिखी, गाय कह रहा फटाफटा ये गाय खा जाएगी। कहाँ गया ये? मैंने तेरे को नीचे से आते हुए देखा तो नीचे से आ पड़ी मैं। हमारा ललित हैप्पी दिवाली यार। भैया तेरे को भी दिवाली की बहुत। मम्मी ने भेजा। अरे यार तू तो राती भी लेकर आया साथ में। मैंने कहा ये फिक्स कर। अरे सॉरी कोई ना, मैंने कहा तू काटेगी। ललित ले आया है गन्ने और तेरे सारे फूल। थैंक यू यार, तेरे को भी बहुत घुमा दिया मैंने। कोई नहीं यार। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं और मैया के लिए माला भी बना दी है। अब हम कर रहे हैं गन्ने को कट। मम्मी कह रही इतने सारे गन्ने को लाए दो से ही हो जाता तो मुझे अंदाज ही नहीं आया। और मम्मी तो हमारी मैया बड़ी बड़ी बनाती है इसलिए मैंने इससे 3 मंगाए थे। हो चलो कोई नहीं, अब मैं खाऊंगी गन्ने को जो पूछेंगे। लो मम्मी कर रही है गन्ना कट। बड़ा चाकू नहीं है? बड़ा चाकू? ओ पापा बड़ा चाकू है कोई है? तो दूर बेचारे तो भारी। और मैंने कहा तो सही, मैंने कहा मम्मी मुझे डांट रही थी बेचारे को इतना दूर से तूने क्यों बुलाया। गाइस अभी हमारी मैया बन रही है। मैं तो दिखी भी नहीं हूँ तेरे को गन्ने। मम्मी कैसे मैया बनाती है आप सभी लोग वीडियो पे देखिएगा। मैं तो डर जा रही हूँ, मम्मी ने इतनी मालाएं लगाई हैं सब सर पे लग रही है। आप बताओ अभी मंदिर का सारा काम हो ही गया है तो मम्मा और मैं थोड़ा छत पर आए थे धूप सेकने। सुबह से आज काम ही काम हो रहे थे, थोड़ा आराम करते हैं
फिर आपको मंदिर दिखाऊंगी कि कितना सुंदर सजा रखा है हमने। ये अम्मू अंशु मेरे को सोने नहीं दे रहे हैं, ये देखो तो ये क्या कर रहे हैं, पटाखे 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 सुखा रहे हैं, इनको तगड़े चाहिए फोड़ने को भी। ये देखो इन्होंने लगाए कैसे लाइन से है यार, ये देखो ये देखो तो जरा हमारे। सो गाइस अभी बन रहे हैं सिंगल, ये देखो भी होना दीजिए मेरे तो मेरे पास है, तुम अपने मिलो। देखो बाबा ये बन रहे हैं सिंगल और ये हमारी पी जा रही है कॉफी। मैं पापा को दिखाती हूँ, पापा इतने मजे से बैठे हैं। बना बना हमारे पापा को देखो तो नींद से उठ रहे। सो गाइस सारे काम हो गए हैं, अब मैं फटाफट से होती हूँ रेडी और फिर आप सभी को लक्ष्मी मैया दिखाती हूँ और सारी चीजें। मम्मी लगी है अपने दोनों बच्चों से बात करने में, ध्रुव भी है अभी सुबह फोन मिला वो है गया और मैं अभी भी तैयार होने पे हूँ, मैं आधी अधूरी तैयार हुई हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी टाइम भी हो गया है महालक्ष्मी की पूजा का, सो फटाफट से पूजा करते हैं फिर आपसे खूब सारी गपशप करेंगे और आज आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, डेकोरेशन। और किसी ने मुझसे पहले भी कहा था कि अपना होम टूर कराओ, तो आज वो भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। फर्स्टली हम पहले पूजा करते हैं, हमारे पहुंचू अपना घर दिखाऊंगी कल मैं, देखो तो अभी भी तैयार होने और हमारी मम्मा भैया से बात करिए। हेलो मम्मा, महिमा खुद है ना। সুমালক্ষ্মী বসুমালক্ষ্মী ঠাকুমালক্ষ্মী ঘরে ঘরে সুমালক্ষ্মী বসুমালক্ষ্মী ঠাকুমালক্ষ্মী ঘরে ঘরে গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী বসো মা লক্ষ্মী এসো মা লক্ষ্মী। गाइस हमारी महालक्ष्मी हमें पहले टीका लगा रही है, ओ मम्मा कितना ठुल लगे अलो त्योले अलो मित्र बच्चों, अभी फोटो कैसे लूंगी। पिठा कितना अच्छा लगता है टीका, जितने रहो खुश रहो बड़े जल्दी जल्दी शादी हो जाए। मम्मी ने टीका बहुत बड़ा लगा दिया। अभी हो रही है हमारी आरती, हमारी मैया देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। इस बार हमने मैया लंबी बनाई है, अकॉर्डिंग सारे साल जा चुके हैं तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है मैया। हमारी इस मैया को देखो, हमारी याली मैया, याली मैया की पूजा कर रही है। मम्मी बहुत सुंदर सजाया आपने, मम्मा मजा आ गया, मजा आ गया। शंख बाबा बजाएंगे, मेरी मूछें आ जाएंगी। अभी हमारे नन्हे नन्हे बच्चे आ गए हैं,
हमारे बच्चे तैयार होकर आ गए। आप तैयार हो गए हो? ये परसों जो हुडी लिया मम्मा ने वही है ना? टैटू देखो, देखो हमारे टैटू देखो, ये अच्छा ना, मैंने इधर मैंने चॉइस करा ना, बहुत सुंदर लग। माची को पटाके दोगे? जी तो क्या खाओगे? लड्डू? छोटा दू, छोटा दू। क्यों, तेरे को मीठा अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता आपको? इसको लगता है मम्मी, इसको खट्टा अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। पटाखे फोड़े थे ना तुम अभी? अभी पूजा हो गई है, अभी हम जाएंगे बड़ी ताई जी के वहाँ और छोटी ताई के वहाँ। गाइस अभी मेरी फ्रेंड आई है पायल, मुझे बाड़ी है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, व्लॉग में आने से पहले छुप जाती है। और ये हमारी मन्नू है। मन्नू बेबी कहाँ छुप रहे हो? हे भगवान मत बोल, ये बहुत शाय है, बहुत ज्यादा शाय है। चंड है एक नंबर के। तब आई थी जब हम लोग छोटे छोटे से थे, है ना? ट्वेल्थ के बाद तू अभी आ रही है घर? हाँ जी बोलो। वो वो पटाखे की थैली लेकर बैठा है बम फोड़ने के लिए। कैसी लग रही भैया? बहुत सुंदर है। तुझको लगता है मैं बना सकती हूँ? मेरी ईजा के काम है सभी। इसने तो पहले ना बोल दिया, हट। ताई जी आओ आओ पलक, हैप्पी दिवाली। गाइस अभी हम आए हैं ताई जी के वहाँ। बच्चे कहाँ हैं ताऊ? बच्चे बाजार पे हैं। बाजार पे हैं। पलक हैप्पी दिवाली। गाइस हमारे ताऊ जी, हेलो बोलो सबको, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमारी ताई जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो चलो हम देखते हैं लक्ष्मी मैया। अच्छा बंद कर रहा है? अरे जैसा कर दे रहा है मम्मी, बच्चे परेशान कर रहे होंगे ना? परेशान यहाँ जरा, अरे सीधे जा रहे अंदर ही हम मंदिर। सो गाइस ये है हमारी ताई जी का मंदिर और ये है हमारी प्यारी सी लक्ष्मी मैया, देखो। हैप्पी दिवाली भैया। ताई जी हेलो, हैप्पी दिवाली। मैंने मैया दिखाती, रुको। ये है हमारी छोटी ताई जी की मैया, देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है। हैप्पी दिवाली हमारी दीदी। हैप्पी दिवाली। अरे इनसे तो मिले हैं यार लो भैया की शादी पे। हाँ वहाँ खूब मस्ती की थी हमने, कितना डांस किया था यार। सबसे ज्यादा बुक्कड़ तू थी, टूट पड़ने वाली हम हैं। ये क्या कह रहे थे, इतना खाने का ही नतीजा है, बीच में बीमार पड़ी थी इसीलिए तुझे जॉइंटनेस भी हुआ था। हाँ यार। अब हाल वही है मेरे अब, लेकिन खाना बोल रहा है कि कंट्रोल कंट्रोल किया है तो रहा है, लेकिन हम अभी भी कंट्रोल नहीं होते। आप सभी को पता है जब बाजार जाना हो रहा है तब खाना हो रहा है, छोड़ो वो बातें, कोई बात नहीं। खाओ खाओ, ये लो खाओ पियो ऐश करो भाई। गाइस बहुत बहुत मीठा है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इतना मीठा खा देते ना इसके बाद, दिवाली के बाद तो एक हफ्ते तक तो मीठा खाने का मन नहीं करता। फिर अभी तो खूब खा रहे हैं। खाओ खाओ देने। अमू इतनी देर से कह रहे हैं ना मासी पटाखे फोड़ने चलो, पटाखे फोड़ने चलो। तो अभी अमू के साथ छत पे जा रहे हैं, तो वो फटाफट चलता है छत पे चलते पहले। हमारी छोटी बच्ची चला रही है पटाखे।
गाइस आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ, होम टूर कराते हैं आपको। सो सबसे पहले हम बालकनी से शुरू करते हैं, ठीक है? वहाँ से अंदर आएंगे। ये हमारी छोटी सी बालकनी है, उधर तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं गिर जाऊंगी। ये है हमारी बालकनी और ये है हमारा डोर, यहाँ से हम बालकनी को आते हैं। और ये है हमारा मार्केट साइड का जो रूम है, हम इसको ना बाजार वाला कमरा कहते हैं क्योंकि ये बाजार की साइड को है। सो ये डोर तो वो है जो बालकनी को जाता है। और यहाँ पर को हमने छोटू सा सोफा बनाया है। पहले ये जो स्पेस था ना ये पूरा खुला था, बाद में मम्मी ने इसको ऐसे बना रखा, मतलब सोफा टाइप का बना रखा है। और ये हमारे कुछ रैग्स हैं, यहाँ पर को मेरा सारा मेकअप का सारा सामान है। और ये हमारी प्यारी सी गुड़िया, और देखो मम्मी ने यहाँ को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। ये हमारे यहाँ को दिए हैं और मम्मा ने पूरा फ्लावर जो है उनको बिखेर रखा है। और ये हमारा है मनी प्लांट, ये देखिए, ये हमारी दीदी और जीजा जी। और ये पता है प्यारा से जो हमारा ये टैडी है डॉगी वाला, ये हमारी मासी ने बनाया है। पता कितने बार कोई लोग आया है ना इसको देखकर हमेशा डरे हैं, उनको ऐसा लगा ना कि हमको अच्छा असली का लग रहा नहीं लग रहा है पीछे से ये शोर। और ये है हमारा बेड जो कि पहले से पहले वाले रूम पे था जो मम्मी ने बीच में यहाँ शिफ्ट किया था। देखो ये तो सारी ये मौसी ने बनाया है, ये मतलब इन लोगों ने मिलकर बना रखा। चलते हैं इसके बगल वाले रूम पे, बीच का रूम इसलिए कहती हूँ मैं इसको क्योंकि ये बीच पे है। मम्मी हंसती है हमेशा जब भी मैं इसको कहती हूँ कि बीच वाला कमरा है। सो गाइस ये बेड जो कि मंदिर वाले रूम पे था, मम्मी ने बीच पे शिफ्ट किया था, मैंने आप सभी को बताया था। ये अभी हमने यहाँ शिफ्ट किया है और यू कैन सी, ये पता है मुझे बहुत प्यारा लगता है स्टिकर। मुझे बीच में किसी ने कमेंट में भी लिखा था कि जो बैकग्राउंड पे लिखा है वो बहुत सुंदर है, पर ये लिखा नहीं है, ये एक स्टिकर है। देखो बहुत सुंदर लगता है यार ये पर। लिव एवरी मोमेंट, लाफ एवरी डे एंड लव बियॉन्ड वर्ड्स। ये हमारे मम्मी पापा, क्या हुआ थक गए सुबह से काम करी अपना तो करके। उच्चो गाइस मैंने भी काम किया, ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं किया, मैंने बहुत काम किया है। गाइस ये देखो ये मेरी गोवा वाली ट्रॉफी है जब मैं वहां रनर अप रही थी, ये मैंने अपने इस वाले रूम पर रखी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ट्रॉफी। और ये सारे आधी ट्रॉफीज मैंने यहाँ रखी है, ये वाली मेरी है जब मैं एज अ वॉक ट्रेनर गई थी देहरादून पर उसकी। ये ध्रुव की है जब वो कौन से मम्मी किस में गया था वो साइंस से रिलेटेड उसका कुछ प्रोजेक्ट था, मतलब उसके लिए गया था, टेलीस्कोप बनाया था भैया ने। और ये हमारे बाल गोपाल मैंने यहाँ आपको रखे हैं, ये प्रेस मैंने आज कपड़ों में प्रेस की तब से यहीं पड़ी है। अब क्या करूं यार मैं भूल जाती हूँ सामान हटाना, मम्मी ने मुझसे आगे भी बोला था जो तुम सामान निकाल लिया उसको रख देना, लेकिन मैं भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। गाइस चलते हैं मंदिर वाले रूम पे। तो ये तो मैंने आपको कल थोड़ा बहुत दिखाया था, देखो मम्मा ने कितना प्यारा डेकोरेट किया है। मम्मी की तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मेरी फ्रेंड भी कह रही थी तू तो सजा सकती नहीं, तेरी ईजा नहीं सजाया होगा। मंदिर तो आप देख चुकी हैं, हमारा मम्मा ने कितना सुंदर मंदिर सजाया है, हमारी प्यारी सी मैया बनाई है। और ये तो हमारी अलमारी है, हमारे सारे कपड़े ही हैं। और मेरी कुछ ट्रॉफीज यहाँ हैं, ये मिस अल्मोड़ा की ट्रॉफी, ये मिस कुमाऊँ की ट्रॉफी, ये लम्हे प्रोडक्शन का क्या है, मिस्टर एंड मिस इंडियाज फैशन आइकन, ये सारे कंटेस्टेंट्स को मिली थी वो वाली ट्रॉफी है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ये मेरी आमा है, ये मेरे नाना जी हैं। और ये कसक का है जो मैं परसों लेकर आई थी, कसक तो देहरादून चली गई तो उसका जो प्राइस है वो भी नहीं है, जब मैं देहरादून जाऊँगी उसको तब लेकर जाऊँगी। थक गई मैं, इतने में थक गई, आपको तो अच्छे से मैंने ढंग से भी नहीं दिखाया कि मैं बाहरी बार दिखा रही हूँ, क्योंकि ना इतना डीपली घुसूंगी ना बहुत कुछ आएगा, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है? अभी हम चलते हैं किचन में। ये आप सभी को पहले किचन दिखाती हूँ। सो गाइस ये है हमारा किचन, यहाँ पर हमारे सारे बर्तन रखे हुए हैं। आप सभी को पता है पहले जो हमारा किचन था ना इससे थोड़ा सा और छोटा था, और कुछ साल ही हुए हैं, 4-5 साल ही हुए हैं, तो मम्मी ने इसको दोबारा से बनवाया है और थोड़ा सा इसका जो स्पेस है वो बाद में बढ़ाया है। आई डोंट नो मम्मा कैसे एडजस्ट करती थी आपको, बट यू कैन सी कितना प्यारा है हमारा छोटा सा किचन। सो गाइस ये वाला पार्ट तो आपने देखा ही होगा, हमारा वॉशरूम और बाथरूम इधर ही साइड को है, और ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं हमारे टेरेस को। और
इससे जो नीचे है मेरी बड़ी ताई जी और छोटी ताई जी रहती है, जिसके वहाँ अभी हम लोग गए थे। आई नो हमारा घर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आते हैं। गाड़ी खत्म हो गई है और डिनर वगैरह हो गया है और व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखो हमारा बिस्तर लग गया, अब ये जरा मुंह को साफ किया जाए।